ये जो मंदिर है जय माँ हर सिद्धि मंदिर उज्जैन में ही, और ये आप स्तंभ जो दिखाए मैंने अभी आपको, ये दिवाली में सब दिए जलते हैं, सब दिवाली में मैं तेल भरा जाता है ऊपर तक, सब जलते हैं दिवाली में, सब दर्शन कर रहे हैं लोग। जस्ट महाकाल मंदिर के पास ही ये मंदिर है उज्जैन में। जय भैरव बाबा की। उज्जैन में भैरव बाबा मंदिर आ गए हम लोग, सामने देखिए भैरव बाबा मंदिर है। जस्ट ऑटो बुक कर लिया था हमने मंदिर करने के लिए, और प्रसाद के रूप में यहाँ पे दारू चढ़ती है, दारू ली गई है चढ़ाने के लिए, सब भगवान का अलग अलग प्रसाद होता है। तो पहले तो ये कहा जाता है कि जब पहले लोग दारू लेते थे तो खुद चढ़ाते थे, बट यहाँ पर अभी पंडित जी को दारू देनी पड़ेगी, तो वो दारू चढ़ा के प्रसाद के रूप में आपको वापस कर देंगे। तो दारू लेने के लिए यहाँ पे लगी थी यार, और उसमें भी ब्रांडेड। आप ये लोग सामने देखिए, भाई भाई साहब बोतल लेके जा रहे हैं पूरी, भाई आपको सामने बोतल दिख रही होगी, पूरी बोतल लेके जा रहे हैं चढ़ाने के लिए। ये पूरा इलाका है भैरव बाबा का, और लाइन देखिए यार कितनी लंबी लाइन है, गजब यार। इसी लाइन में हमको भी लगना है यार, कहाँ से लाइन स्टार्ट है, चलिए देखते हैं।
तो ये देखिए प्रसाद लेके हमारे अवधेश भाई चल रहे हैं। ये पूरी मार्केट एरिया है, यहाँ पर चलते रहिए। तो है ये पूरी मार्केट है यहाँ पे। तो ये देखिए यार सामने कितनी लंबी लाइन लगी यार, चलिए हम भी लगाते हैं लाइन। आज संडे है थोड़ी इसलिए भीड़ है। ना लुट के भाई तो मैं बोल रहा था एक काम नहीं था मंदिर परिसर के अंदर दारू पीना सख्त होना है। चलो 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 लेना सख्त मना नहीं दारू पीना नहीं। जो सभी इच्छुक है कृपया करके पहले 500 रुपए जमा करके जाए मंदिर परिसर में जूते चप्पल पहन कर न आए, अपने जूते चप्पल स्टैंड पर ही उतारे। मंदिर परिसर मोबाइल से फोटो लेना सेल्फी लेना चालू आ रहा है यहाँ से ऑटो लिया। ऑटो से रामघाट आए, यहाँ पे आया। तो रामघाट मतलब
अच्छा इलाका है, मतलब यहाँ पे आप नहाइए, नहा के आप सीधे महाकाल के दर्शन करिए, वहाँ पे लाइन लगती है। तो उसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी वीडियो डाल रखी है, और जो जिन लोगों ने मेरी पुरानी वीडियो नहीं देखी वो लोग जस्ट डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक आ रहा होगा, वहाँ पे जाके आप वीडियो देख सकते हैं। तो महाकाल की हमने जो वीडियो है वो सब देखने के बाद उसके बाद हम लोगों ने क्या किया, जस्ट सिंपली कुछ खाना पीना खाया। बट आप लोगों को एक चीज़ बात सजेस्ट करना चाहूँगा, यहाँ पे जो यहाँ पे जो खाना पीना है ना वो मुझे कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगा यार, फास्ट फूड टाइप का गया। अगर आप यहाँ पे आके 60 रुपये के या 50 रुपये के थाली जो अनलिमिटेड थाली मिलती है ना, बिल्कुल आपको सजेस्ट नहीं करता वो खाइए, क्योंकि ऑयली खाना होता है। मैं ये नहीं कहता यार खाना बेकार होता, बट एज पर मेरा जो ओपिनियन है यार, जो वीडियो देख रहे हैं लोग, तो मैं उन्हें सजेस्ट करता कि वो आप खाना खाइए। उसके बाद देखिए ऑटो बुक करिए, ऑटो वाला आपके ऊपर डिपेंड करता है, फेयर है वो, आप 4 से 5 सवारी या 6 सवारी भी बैठा सकता है ऑटो में, वो पूरे दिन के लिए आप रिजर्व कर लीजिए। बट वो क्या है कि आसपास की पास एरिया है, ज़्यादातर 1 किलोमीटर के अंदर ही कवर है, बट पैदल पैदल आप थक जाएंगे, क्योंकि मंदिर में भी लाइन लगती है। संडे का टाइम था आज, तो बहुत ज़्यादा लाइन लगी, हम लोग थक गए। इस टाइम मैं रामघाट पे बैठ के आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। तो हम लोगों ने जनरली 6-7 मंदिर कवर कर दिया आज के दिन में, तो हमारे पास इनफ टाइम था आज पूरा दिन घूमने के लिए। तो भैरव बाबा मंदिर कवर किया, उसके बाद काली मंदिर कवर किया, उसके बाद मंगलनाथ मंदिर गए हम लोग, काफ़ी सारे सब मंदिर तीर्थस्थल हैं। तो इन्जॉयमेंट फुल रहा हमारा आज के दिन में, तो जिसमें कि मंदिर में काफ़ी सारी चीज़ देखे थे, भगवान सब हर जगह हैं, सब लोग अपनी श्रद्धा है। लेकिन कहते हैं ना, आप लोग नई जगह पे जाते हैं तो कौन सी जगह है जो आपके लिए लगती हो। तो बाकी तो जो भी है मैंने सबके लिए एक शॉर्ट वीडियो बना रखी है, आप लोग वीडियो में जाके देखिए। अगर इसके अलावा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ गाइस कमेंट में ज़रूर बताइए, मैं आपको सपोर्ट करूँगा। थैंक यू सो मच गाइस।